हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो ये Hyundai Venue 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में आप DCT में देख रहे हो। ये इसका SX प्लस वेरिएंट है जो कि फुली लोडेड है। बहुत से इसमें फीचर्स आते हैं। अब आप इसको सफ़ेद हाथी बोल सकते हो बिकॉज पेट्रोल DCT है, तो माइलेज कुछ कंपनी क्लेम करती है 18.15 KMPL ARAI। वहीं पर अगर आप इसको, जब मैंने बहुत से लोगों को पूछा, जब ये जो ये गाड़ी ओन करते हैं, या अगर आप अदर वीडियोस यूट्यूब पे भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सिटी ट्रैफिक जो मॉडरेट होता है, आपको 13 से 14 का माइलेज मिल जाएगा। वहीं पे आप हाईवे पे चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 इसमें स्कोर कर सकते हो। अब वो अल्टीमेटली देखो भाई, ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आप कितना माइलेज निकाल पा रहे हो। बात करूँ प्राइसिंग की इस गाड़ी की, तो 11,70,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस आती है। वहीं पर ऑन रोड ये आपको पड़ जाती है 13,84,000 रुपये की, जिसमें इंश्योरेंस एंड आपके अदर चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो काफ़ी कमाल का दिखता है। और इसमें एक ड्यूल टोन वेरिएंट भी आता है भाई, जो आपको 14,05,000 रुपये का ऑन रोड जाता है। तो अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट एक्सटीरियर से देखते हो, तो काफ़ी, एक तो इसकी जो आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डिज़ाइन है इसकी, अच्छी निकल के आती है। मोर अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका जो ओवरऑल लेआउट है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मोर ऑफ अ हैचबैक है, अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप कम कर दो। बाय द वे, आपको 195 mm पर ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में, वेन्यू में, जो कि अंडरबॉडी डैमेज का आपको बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल से आप आराम से निकल सकते हो जब गाड़ी लोडेड भी हो। हालाँकि जो सस्पेंशन हैं गाड़ी के, वो ऑन द सॉफ्टर साइड हैं, किया सोनेट की तरह नहीं है, जो कि ऑन द स्टिफर साइड है उस गाड़ी में। तो आप यूँ मान लो मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको फ्रंट में, और पीछे आपको कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है। सो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ही ट्यून्ड है, बट ऑन द सॉफ्टर साइड। गाड़ी को जब आप इसे फ्रंट से देखते हो, तो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगी हेडलैम्प के अराउंड, प्लस इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको हाई बीम एंड लो बीम के लिए मिल जाएगा। और ये कॉर्नरिंग फंक्शन आपको इस हेडलैम्प में मिल जाता है, जो कि पैसिव है। बहुत ही अच्छा साबित होता है इसकी जो हेडलैम्प की, अगर आप बात करोगे रोशनी की इन द नाइट टाइम, बहुत अच्छी इनकी थ्रो है। बात कर लें अगर ग्रिल की, तो आपको यहाँ पे कैस्केडिंग ग्रिल में प्लस का डिज़ाइन मिल जाएगा, जो कि पूरा क्रोम लेआउट है। यहाँ पे भी आपको Hyundai का लोगो क्रोम में मिल जाता है। लोअर बम्पर आपको थोड़ा जो फॉग लैम्प की असेंबली है, यहाँ पे फॉग लैम्प आपको प्रोजेक्टर्स में मिलेंगे, एंड वो भी हैलोजन बेस्ड हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो पूरी आपको ग्रे इंसर्ट मिल जाएगी, उसी के नीचे आपको सिल्वर इंसर्ट में यहाँ पे स्किड प्लेट्स ऑफर की जाती हैं। बात करें अगर साइड से, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि ड्यूल टोन है, अच्छे लगते हैं देखने में। आपको ग्रेश एंड सिल्वर फिनिश यहाँ पे मिल जाता है। इनकी प्रोफाइल की बात करूँ, तो 215/60R16 है ये। 95H यानी कि 95 इसका लोड इंडेक्स है, ये इतना वजन ले सकता है। और H इसकी स्पीड रेटिंग है। ये वाला पर्टिकुलर टायर जा सकता है 210 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैक्सिमम, तो ऐसी कुछ स्पीड रेटिंग और वो लोड इंडेक्स इस पे दिया है। फेंडर पे यहाँ पे भाई DCT की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए पिलर ग्लॉस ब्लैक में। ऊपर रूफ रेल्स हैं सिल्वर इंसर्ट में। यहाँ पे आपको सनरूफ भी दिया जाता है। साइड में अगर आप देखते हो, पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, और क्रोम में डोर हैंडल्स आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अक्रॉस। यहाँ पे अगेन वही आपको 16 इंच के ये व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन भी। साइड में डोर मोल्डिंग भी आपको मिल जाएगी। देन अगर मैं यहाँ पे पीछे आके बात करूँ, तो वेन्यू का जो पीछे वाला लेआउट है, वो काफ़ी कमाल का दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊपर शार्क फिन एंटेना, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, काइंड ऑफ थोड़ा बोल सकते हो आप ठीक ठाक सा। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप है, इसी में आपको यहाँ पे रेयर डिफॉगर्स मिल जाएंगे। कोई भी रेयर वॉशिंग वाइपर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। बात करें इसकी, तो आपको क्रिस्टल इफेक्ट इसमें टेल लैंप्स में मिलते हैं। LED यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अच्छी लगती है देखने में। हालाँकि जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं, वो हैलोजन में हैं। वेन्यू की यहाँ पे स्प्रेड आउट ब्रांडिंग है क्रोम में, प्लस यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो है। टर्बो की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगी, और SX की ब्रांडिंग आपको वहाँ पे मिल जाती है क्रोम में। अगेन पीछे दो ही पार्किंग सेंसर्स आएंगे, और इसका जो लोअर बम्पर है वो ब्लैक्ड आउट है। नीचे सिल्वर में स्किड प्लेट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो रिफ्लेक्टर्स, एंड आपको यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाती है उसी में। सो ऐसा कुछ है इसका रेयर प्रोफाइल। इसमें बात करें, 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलता है गाड़ी में। बूट स्पेस की अगर बात की जाए,
सो 350 लीटर का बूट स्पेस आपको वेन्यू में ऑफर किया जाता है। अच्छा लगता है बूट स्पेस जब इतना बड़ा आपको स्पेस का मिल रहा है, काफ़ी यूटिलिटी जो सामान आप फिट करोगे काफ़ी अच्छा खासा इसमें लोड हो जाता है। हालांकि इसका जो बूट है वो थोड़ा अपलिफ्टेड होता, वो अच्छी बात हो जाती, सामान उतारने और चढ़ाने में आसानी हो जाती है। स्टिल अगर यहाँ पे देखते हो पार्शल ट्रे है, कोई भी आपको इधर सीट्स पार्शली डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे आपको बूट लगेज लैंप मिल जाता है। अदर देन दैट कोई ग्रॉसरी हुक नहीं दिए हैं यहाँ पे, अगर इसके बूट में आप देख सकते हो। एंड स्पेयर व्हील की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 15 इंच का स्टेनलेस स्टील व्हील, एक साइज छोटा है प्लस स्टेनलेस स्टील व्हील मिलता है। उसके अलावा ये फैब्रिक मैट आपको यहाँ पे मिलेगी, कोई भी लेदर आपको नहीं मिलती, वो आप एक्सेसरीज में ले सकते हो। ऊपर यहाँ से आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो, अंदर की तरफ से अगर आपको यहाँ से खोलना है तो। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल बार, प्लास्टिक इंसुलेशन है जो कि क्वालिटी वाइज Hyundai बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा डेनिम ब्लू कलर है ये। हालांकि गाइस सॉरी, अभी स्टॉक यार्ड में खड़ा हूँ, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है गाड़ी पे, इसीलिए धूल आपको दिख रही होगी, लिटरली सॉरी फॉर दैट। एंड अदर देन दैट यहाँ पे कोई पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है ऑन दिस साइड, तो ये ऐसा कुछ इसका साइड प्रोफाइल है। अच्छा दिखता है जब देखते हो आप इसके जो यहाँ पे विंडो लाइन भी आप देख सकते हो, हालांकि क्रोम में नहीं आती बट स्टिल ये जो कैरेक्टर लाइन आप देख रहे हो जो बॉनेट से आपकी स्टार्ट हो रही है और आपकी ऑल द वे टेल लैम्प पे एंड हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल के आता है। सो ये था पूरा गाड़ी के रिगार्डिंग द एक्सटीरियर। अब भाई अगर आप Hyundai की कौन सी भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, वेन्यू हो गई, क्रेटा, i20, Alcazar, एनीथिंग, प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, Shirai Hyundai के नंबर्स हैं। कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई आपको अपने आप पता चल जाएगी, कोई भी ऑफर्स या बेनिफिट्स अगर एप्लीकेबल होते हैं आपको वो भी पता चल जाएंगे। प्लस अगर वेटिंग पीरियड कहीं और ज़्यादा मिल रहा है, एक बार इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, आपको डिसेंट इनफ वेटिंग पीरियड, मतलब कम वेटिंग पीरियड में आपको जल्द से जल्द गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था रिगार्डिंग द एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सो जैसे ही आप इसका डोर ट्रिम ओपन करते हो या गाड़ी के अंदर भी देखते हो तो आपको ऑल ब्लैक थीम यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा बहुत सिल्वर इंसर्ट का ट्रीटमेंट है, जैसे एसी वेंट्स के अराउंड इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको सिल्वर इंसर्ट ट्रीटमेंट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, यहाँ स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, टोटल गाड़ी में 6 स्पीकर सिस्टम का सेटअप आता है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं आपके, अगर आप देखते हो RVMs के, ये लॉक एंड अनलॉक बटन, ये सारे इलेक्ट्रिक विंडोज़ और ये विंडो लॉक बटन यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप इस ड्राइवर साइड विंडो को देखते हो, ये वन टच डाउन आपको मिल जाता है, प्लस ये आपको वन टच अप भी मिल जाता है, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज। सीट्स की बात कर लेते हैं तो ये ड्राइवर वाली सीट फैब्रिक, हालांकि सब सीट्स फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में है, कोई भी लेदरेट या लेदर आपको नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट में यार देना चाहिए था, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज लोगों का क्या होता है कि ये गाड़ी लेके फिर वो बाहर से करवाते हैं, बट इस प्राइस पॉइंट में ये चीज़ होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है, यानी कि ये वाली जो सीट है ये 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, ड्राइवर वाली, पैसेंजर वाली 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे वाली जो रो है वो सिर्फ 2-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलती है। अगर हम इंटीरियर की बात करें अंदर बैठ के, सो गर्मी बहुत है भाई। सो भाई जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 4-spoke स्टेयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, सिल्वर ट्रीटमेंट आपको स्टेयरिंग व्हील पे मिल जाएंगी। यहाँ पे सारे आपके वॉइस कमांड और इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। इस साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल और यहाँ पे MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आप देखते हो वो भी सिल्वर ट्रीटमेंट में आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे वाइपर से रिलेटेड, और यहाँ पे ये साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प और आपके टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलता है ओनली फॉर रेक, रीच के लिए एडजस्टेबल ये वाला स्टेयरिंग व्हील नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो आपको पार्शल मिलता है, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल आपको बीच में मिल जाएगा। एंड उसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फ्यूल गेज की लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। अदर देन दैट आपको इसमें फ्यूल इकोनॉमी ऊपर आपको गियर इंडिकेटर दिखा देगा, यहाँ पे आपका रीडिंग आ जाता है, नीचे आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखा देता है, और ये यहाँ पे आपका ऑडोमीटर की रीडिंग आ जाती है। उसके अलावा आपको क्या क्या इसमें मिलता है,
सो आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, उसके अलावा आपको ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन, एक्यूमुलेटेड इन्फो, एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें दिखा देगा इसमें। तो ऐसी कुछ चीज़ें इसमें आपको लोडेड मिलती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। गर्मी बहुत है भाई, गाड़ी बंद नहीं कर सकते। यस, यहाँ पे डैशबोर्ड आप देखते हो तो सेम लेआउट है। यहाँ आगे की तरफ आपको इंजन इमोबिलाइजर सेंसर लाइट मिल जाती है वहीं पे। IRVM की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअली डे एंड नाइट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अच्छा है। उसी में आपको SOS इस गाड़ी में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आती है, प्लस ये यहाँ पे सर्विस का आपको बटन मिल जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है एक टिकट होल्डर सनवाइजर में, यहाँ पे रिसीवर है, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे आपको कंट्रोल्स, जैसे कि लाइट के कंट्रोल्स। ये लाइट्स कन्वेंशनल है, रेगुलर येलो में दी हैं। एंड सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि जब आप ओपन करते हो इसका जो सन ब्लाइंड है वो सनरूफ के साथ ही पीछे जाएगा, और एक बार प्रेस करोगे तो वो पूरा ओपन हो जाएगा। बट जब बात आएगी बंद करने की, तो यहाँ से सिर्फ सनरूफ बंद होगा। आपका जो ये है सन ब्लाइंड है, ये आपको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपको सिर्फ वेंटिलेशन के लिए सनरूफ ओपन करना है, सिर्फ आपको इस बटन को ऊपर दबाना होगा, या तो बंद करने के लिए आपको इसको आगे प्रेस करके रखना होगा। तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका जो टच है रिस्पॉन्स बहुत ही प्यारा है। Hyundai की भाई कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, बहुत अच्छे इनके रिस्पॉन्स आते हैं। प्लस इसमें ब्लूटूथ आपको मिल जाता है, कंपैटिबिलिटी, USB कंपैटिबिलिटी। उसके अलावा Android Auto, Apple CarPlay जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे इंफोटेनमेंट है, जिसमें फ़ीचर लोडेड आता है। अब इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इसी वेरिएंट के ऊपर। प्लस वो स्पीकर्स में म्यूज़िक बजा के दिखाया, कैसी उनकी क्वालिटी है, पूरा एक रिव्यू दिया है भाई, ज़रूर जाके देखो चैनल पे, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिकॉज़ यहाँ बताऊँगा गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें नीचे यहाँ पर, जो कि आपका कैबिन विद इन नो टाइम कूल कर देता है, बहुत अच्छा यहाँ पे इसका एसी है। प्लस अगर बात करूँ एयरकॉन कंट्रोल्स की, अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात करूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो आपकी रोटरी डायल हो गए, देन इन बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नीचे भाई आपको यहाँ पे मिल जाता है एक USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, देन यहाँ पे भी आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, एंड ये ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए आपको USB पोर्ट यहाँ मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग आपको इस वेरिएंट में दी जाती है, जो कि एक कमाल की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सिल्वर ट्रीटमेंट आपको गियर नॉब के अराउंड मिलता है। ये DCT ट्रांसमिशन है, उसकी गियर नॉब की क्वालिटी की बात करूँ, ऊपर आपको यहाँ पे ग्लास फिनिश और सिल्वर इंसर्ट, यहाँ पे थोड़ा ये लेदर आपको मिल जाता है, प्लस नीचे लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ मिल जाएगी ड्यूल स्टिचिंग में। यहाँ PR&D प्लस माइनस आप देख सकते हो, ये शिफ्ट लॉक रिलीज है, जब गाड़ी की बैटरी लो हो जाए तो आप इसको प्रेस करके गाड़ी का जो गियर है उसको न्यूट्रल में ला सकते हो। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, सामान रख सकते हो, जैसे ये गाड़ी की चाबी यहाँ आ गई, तो ऐसा कुछ पूरा है। गाड़ी की चाबी की अगर मैं बात करूँ, फुल मैट फिनिश में है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऊपर आपको क्रोम में लोगो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉक अनलॉक होल्ड बटन फॉर टेलगेट रिलीज, और ये आपको होल्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पे आप गाड़ी का हॉर्न एक्सेस कर सकते हैं, जब आप भूल जाते हो गाड़ी बड़े पार्किंग लॉट में लगा के। उसके अलावा एयर प्यूरीफायर यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि यार ठीक है, मतलब इतना कोई यूज़ आता नहीं है ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती हैं। अदर देन दैट एल्यूमिनियम फिनिश में आपको यहाँ पे आपको टिप मिल जाती है हैंड ब्रेक की, जो कि अच्छी है। बात करें अगर इधर, तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता, स्टिल उसके अंदर स्पेस अच्छी खासी, आप अच्छा खासा सामान यहाँ पे लोड कर सकते हो। एंड कुछ स्पेस यहाँ भी दिया है भाई, आप अपना कुछ भी पैसेंजर फ़ोन वोन वहाँ रख सकता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट कूल्ड है, प्लस डिसेंट स्पेस है, इतना भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। कम्फर्ट अच्छा है सीट्स का, एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं, गाड़ी के हर एक बटन रीच में है, स्टेयरिंग व्हील गुड टू होल्ड है, और ये लेदर आप स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल रहा था बाय द वे। सो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे। गाड़ी स्पेशियस इतनी नहीं लग रही, हालांकि थोड़ा बेज या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होता ना वेन्यू में, तो यह इस गाड़ी में बहुत अच्छा लगता। पूरा ब्लैक्ड आउट है तो आपको थोड़ा रूमी या एयरी फील इतना नहीं आएगा, स्टिल सनरूफ है तो उस वजह से आपको वो फील आ भी सकती है। एंड सो यस, ये था पूरा इसके इसमें फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। ड्यूल एयरबैग्स हैं, ड्राइवर प्लस पैसेंजर।
ABS एंड EBD आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिल रही है, और भी जो अदर फीचर्स है वो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। तो ये था पूरा पूरा इसके फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग भाई। अब चलते हैं रेयर कैबिन चेकआउट करते हैं। एंड यस ऑल्सो और एक चीज़ मैं हॉर्न बताना भूल गया, ऐसा कुछ हॉर्न है ओके। एंड अगर मैं वाइपर के थ्रो की बात करूँ, बहुत अच्छा थ्रो है वेन्यू में, सीरियसली बहुत अच्छा थ्रो आता है इसके, जो आपके जो वॉशर स्प्रेयर मिलते हैं क्रेटा से अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है इसका जो स्प्रे है, आपको लिटरली यहाँ तक है क्रेटा में वो नीचे तक मिलता है, तो इतना कुछ ग्लास एरिया जल्दी साफ नहीं होता, इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं पीछे चेकआउट कर लेते हैं। सो यस रेड डोर ट्रिम जैसे आप देखोगे वो भी पूरा ब्लैक्ड आउट है, कॉस्ट कटिंग आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं है कि मटेरियल ड्रॉप है या ऐसे कुछ है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें सिल्वर ट्रीटमेंट हैंडल बार इंटीरियर वाला, भाई क्या धूल कर रहा है यार। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्लास्टिक इंसर्ट है हार्ड प्लास्टिक, सिर्फ एक जगह कॉस्ट कटिंग आपको दिख सकती है यहाँ पे इस वाले प्लास्टिक में, जो कि थोड़ा वो क्वालिटी वाइज थोड़ा डाउनग्रेड दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक विंडोज़ प्लस 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड यहाँ पे आपका स्पीकर सिस्टम आ जाता है। इंटीरियर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, कोई आर्मरेस्ट नहीं आता इसमें, वही फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल रही है जो आपको फ्रंट में मिल रही थी। अब ये जो सीट है मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मेरी हाइट 5'8" है, उसके हिसाब से देखते हैं कितना नी रूम अगर सेम हाइट का बंदा पीछे बैठता है तो उसको मिलता है। अरे यार पीछे इसमें ये भी नहीं लगाया है मैटिंग या फिर आप कागज़ बोल सकते हो, तो यस शूज़ उतारने ही पड़ेंगे। तो यस भाई अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इतना कुछ नी रूम मुझे बहुत ही लाजवाब अच्छा नी रूम है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी कमाल का है, लेग रूम की बात करूँ अच्छे है, पैर स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ, इन तीनों मामलों में कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। यहाँ पे आपके एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी ड्रॉप लग रही है मुझे, थोड़ी और बेटर हो सकती थी। यहाँ पे अगर आप देखते हो इनको सिल्वर ट्रीटमेंट उसके अराउंड भी आपको मिल जाता है, एंड नीचे एक 12V सॉकेट आपको मिल रहा है। इसका जो हम्प है वो ऊपर की तरफ है, सो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना साइड वाले पैसेंजर्स को हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है कोट हुक के साथ, कोई हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं आती ड्राइवर या पैसेंजर साइड पे, कोट हुक सिर्फ एक ही साइड पे दिया जा रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पे अगर मैं बैठ के दिखाऊँ आपको, ये देखिए मेरे पैर कम्फर्टेबल नहीं है, मतलब ऐसे कुछ आएंगे और शूज़ की वजह से तो वो चीज़ और गंदी होगी, पैर को मुझे स्ट्रेच आउट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है। सीटिंग एरिया वाइज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 एडल्ट आ गए मेरे जैसे हेल्दी एडल्ट, तो भाई मैं कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, प्लस यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट ख़त्म हो रहा है। हेडरूम अच्छा है फिर भी डिसेंट इनफ हेडरूम है, सनरूफ का जो यहाँ तक प्लेसमेंट है उसके अलावा यहाँ पे आपको अच्छा हेडरूम मिल रहा है। एंड कुछ ऐसा है पीछे पार्शल ट्रे, कुछ ऐसा है पीछे से आपको जो डैशबोर्ड का लेआउट आ रहा है। वेन्यू में कंफर्ट के हिसाब से अगर बीच में एक बच्चा बैठे ना 2 एडल्ट्स के साथ तो ही कंफर्टेबल होगा, अदर देन दैट इसको कंफर्टेबल आप बोल नहीं सकते बीच में एडल्ट पैसेंजर के लिए, खासकर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भाई। तो ये था पूरा रिगार्डिंग द रेयर कैबिन। सो यस ये था पूरा इंटीरियर फीचर्स, सभी कुछ मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में क्या इंजन ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यहाँ से, यहाँ पे इस गाड़ी में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 118 BHP है और 172 Nm ऑफ टॉर्क है। माइलेज मैं आपके पहले ही बता चुका हूं, 18 का क्लेम किया जा रहा है, वहीं पर आप 13-14 सिटी में निकाल सकते हो। 817 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज आती है फुल टैंक पर अगर आप देखते हो। अब बात कर लेते हैं, ठीक है एक बजट इसमें अगर आप देख रहे हो, ठीक है ये गाड़ी अच्छी है, हालांकि थोड़ी सेफ्टी वाइज में मार खा जाती है जो बिल्ड क्वालिटी की बात आती है जो आपको अदर मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टाटा एंड महिंद्रा प्रोवाइड कर रहे हैं करेंटली। इवन निसान की मैग्नाइट जो आ रही है, इसी सेगमेंट की बात करो गाइस तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। निसान मैग्नाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑन द सस्ते में मिल जाता है, प्लस एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर लोडेड कार है। वहीं पे अगर आप ह्यूंडई की बात करते हो तो आपको इंजन रिफाइनमेंट प्लस जो अंदर मटेरियल क्वालिटी जो प्रीमियमनेस आपको इस गाड़ी में मिल रही है वो एक नंबर है, हालांकि इसके जैसा कोई होगा नहीं इसकी सेगमेंट में। और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज की अगर बात करते हो इसकी सेगमेंट में, आप टाटा नेक्सॉन की तरफ एक बार जा सकते हैं, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, फीचर्स एंड ऑल, सेफ्टी ऑन द टॉप,
तो आप उस गाड़ी भी देख सकते हो। प्लस अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो भाई आप महिंद्रा की तरफ जा सकते हो, XUV300। सो यस, ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छी फैमिली कार है, स्टिल स्पेस में थोड़ा कम है एंड जो अदर चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो भाई ये था पूरा SX प्लस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT के हिसाब से। माइलेज कम मिलेगा तो ही सोच के आप इस तरफ जाइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।